नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त रैली भोपाल में होगी, जिसमें ध्यान दीजिएगा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का दरअसल कोई वजूद ही नहीं है। वो तो सवाल उठा देते हैं, दो टूक कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हुड्डा के इस बयान के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग बेहद बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया है? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर हो रही बयानबाजी पर बीजेपी चुटकी ले रही है और गठबंधन पर तंज कस रही है। सवाल यह भी है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, कैसे सामने आएंगे? और अगर ये विधानसभा में आमने सामने लड़ते हैं तो लोकसभा में कैसे सामने आ जाएंगे? आप सोचिए, साथ कैसे साथ आ जाएंगे? प्रश्न ये, अगर विधानसभा में आमने सामने है तो क्या करेंगे गुजरात में जहां पर ये सीधी टक्कर रखते हैं? क्या करेंगे मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये सामने लड़ेंगे और फिर लोकसभा में साथ आ जाएंगे? और छोड़िए, उत्तर प्रदेश में कौन बड़ा दिल दिखाएगा, महाराष्ट्र में कौन दिखाएगा, पश्चिम बंगाल में कौन बड़ा दिल दिखाएगा? कई सवाल हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या भीतरघात हो सकती है इनके आपस में? मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमिटी वॉज हेल्ड टूडे at the Sharad Pawar ji's residence and attended by 12 member parties. The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold join public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. Seat sharing, the coordination committee decided to start the process of determining seats sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जो भाजपा ने देश भर में फैलाई हुई है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए रैली बुलाई जा रही है। सब लोग रहेंगे। कास्ट सेंसस के मुद्दे पे सहमति बनी है और उसी के साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी है कि सीट शेयरिंग जो है उस पर मेंबर पार्टीज आपस में बैठकर जल्द से जल्द फैसला लेंगी। ये बात आज निकल कर आई और सबने उस पर अपनी सहमति दी। मेरा मानना ये है कि कोई ना कोई फॉर्मूला जो है ये सारे दल निकालेंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पे या कोई पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सीट शेयरिंग होगी। कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी चला रही है, किस राज्य में चला रही है, इनका कुछ ना कुछ जो है कोई ऑब्जेक्टिव तरीका निकलेगा और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनका ध्येय जो है किसी भी तरीके की सत्ता का ध्येय नहीं है। सबसे पहले देश को, अपने को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, इस देश में प्रजातंत्र को बचाना है, आज़ादी को बचाना है। हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है। आप रिजल्ट देखो, पिछले 19 के रिजल्ट देखो, बीजेपी के 10 के 10 एमपी हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे सब जगह कांग्रेस ही रही है। लेकिन शुरुआत अच्छी है, सक्षम है, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। पिछली बार भी एक महागठबंधन बना था, चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, चेहरे वही हैं, कोई चारा घोटाले से लेकर कोई नेशनल हेराल्ड घोटाले तक, कोई कोल घोटाले से लेकर कोई अंतरिक्ष घोटाले तक, कोई 2G घोटाले से लेकर कोई तीसरे घोटाले तक, ये सब वही चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार से कोई बेल पर है,
तो कोई जेल काट कर आया है। जनता इन सब को जानती पहचानती है और चोला बदलने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, चाल चरित्र और चेहरे वही रहने वाले हैं। हमें कोई संदेह नहीं है, ये आपस में ही निबट जाएंगे, ये अपने बोझ के तले दबके ही मर जाएंगे। सीट शेयरिंग पर जिस प्रकार से बात आ रही है, प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर जिस प्रकार बात आई है, केजरीवाल जी के साथी कह रहे हैं वो बनेंगे, ममता के लोग कह रहे हैं वो बनेंगे, नीतीश के लोग कह रहे हैं वो बनेंगे, और शरद पवार जी के भी लोग कह रहे हैं कि वो बनेंगे, और कांग्रेस तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर ही रही है। तो आप देखिएगा सीट शेयरिंग के समय भी क्या होगा, इनके झगड़े बढ़ेंगे। अभी तो तपिश शुरू हुई है, हुड्डा जी ने अलग बयान दे दिया हम 10 सीटों पर लड़ेंगे, उधर पंजाब यूनिट आम आदमी पार्टी ने अलग कह दिया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। अभी पंजाब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो अभी शुरुआत है, बानगी भर है, अभी आगे देखिए क्या होता है। INDIA का किसके हाथ में आई जाएगा, किसके हाथ में एन जाएगा, किसके हाथ में डी जाएगा, किसके हाथ में फिर आई और ए जाएगा, ये कहना मुश्किल है। एक कुर्ते में से किसी के हाथ में जेब जाने वाली है, किसी के हाथ में एक बाजू जाने वाली है, किसी के हाथ में फ्रंट और किसी के हाथ में बैक जाने वाला है।